कॉलेज के 92वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में स्काउट गाइड व कॉलेज छात्र छात्राओं ने राष्ट्रीय सेवा योजना के अंतर्गत सद्भावना रैली का आयोजन किया। सद्भावना रैली को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजीत यादव व कॉलेज के प्राचार्य हुक्म सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली आरआर कॉलेज के प्रांगण से प्रारंभ होकर नेहरू गार्डन, नकली सर्किल होते हुए पुनः आरआर कॉलेज पर आकर संपन्न हुई। कॉलेज प्राचार्य हुक्म सिंह ने बताया कि आरआर कॉलेज के 92वें स्थापना दिवस की शुरुआत हवन यज्ञ से की गई, जिसके पश्चात सद्भावना रैली का आयोजन किया गया। इसके बाद वृक्षारोपण में 11 बजे से समारोह द्वारा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा कड़ी को आगे बढ़ाया गया। प्राचार्य हुक्म सिंह ने बताया कि इस दौरान कॉलेज की छात्राओं ने रंगोली बनाकर वहीं अन्य विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेकर कार्यक्रम में चार चांद लगा दिए। बड़े हर्ष की बात है कि आज राजऋषि ऑटोनोमस कॉलेज अपना 92वां स्थापना दिवस मना रहा है। इस स्थापना दिवस की पूर्व संध्या यानी कल रात्रि को कॉलेज के मुख्य द्वार और मुख्य भवन पर रोशनी का प्रबंध किया गया और ये लाइटिंग की जो व्यवस्था है हमारे यहाँ एलुमिनाई है कॉलेज की, एलुमिनाई कमेटी के द्वारा अपने खर्चे पर ये व्यवस्था की गई है। आज सुबह स्थापना दिवस पर भारतीय संस्कृति की परंपरा अनुसार और जैसा यहाँ हर वर्ष होता आया है उस परंपरा में हवन का कार्यक्रम रखा गया सुबह 8 से 9। और इसी खुशी में बालिकाओं ने रंगोलियों का निर्माण किया। माननीय अजीत सिंह जी यादव जो हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने आकर के यज्ञ में, हवन में और सद्भावना रैली को ध्वज दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर एनएसएस और स्काउट्स के विद्यार्थी तथा कॉलेज के विद्यार्थी सब ने मिलकर के एक सद्भावना रैली का आयोजन किया है। ये रैली कॉलेज से निकलकर और नंगली के चौराहे से होकर वापस आएगी। इसके बाद वृक्षारोपण का कार्यक्रम है और फिर 11 बजे से इसको हम समारोह पूर्वक से मनाएंगे। क्या नाम है सर आपका? मैं डॉक्टर हुक्म सिंह, प्राचार्य राजऋषि कॉलेज।